Because of these things, Japan became the most unique country. इन चीजों की वजह से जापान बना सबसे अनोखा देश। ये तो आपने सुना होगा कि बड़ा है तो बेहतर है, पर जापान में ये कहावत लागू नहीं होती। यहाँ तो छोटा बेहतर और अलग होता है। तो शुरुआत करते हैं बच्चों से, क्योंकि सभी के जीवन की शुरुआत भी बचपन से ही होती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि बचपन हमारे जीवन का सबसे अनमोल समय होता है। इस बात को जापानियों ने न सिर्फ अच्छी तरह समझा बल्कि लागू भी किया। जापान में ऐसा कानून बनाया गया है जिससे कि वहां के बच्चे पूरी तरह से अपना बचपन एंजॉय कर सके। जापान में स्कूली बच्चों को 10 साल तक किसी भी तरह की कोई भी परीक्षा नहीं देनी पड़ती। उन्हें इन 10 सालों के दौरान पूरी तरह से अपना बचपन एंजॉय करने दिया जाता है। इंजीनियरिंग में महारत। इंजीनियरिंग के मामले में जापान ने पूरी दुनिया में खुद का लोहा मनवाया है, ये तो सभी को पता है। जापान में हर समय कुछ ना कुछ नया होता रहता है। इसी के तहत जापान ने एक और चौंकाने वाला कारनामा किया है। जापान में कई ऐसे रोड बनाए गए हैं जो सड़क के बीच खड़ी बिल्डिंगों के बीच में से निकलते हैं, और ये प्रयोग सफल भी हुआ है। आत्महत्या करने पर दंड। अब आप सोचोगे कि ये कैसे हो सकता है। दरअसल जापान में आत्महत्या करने पर सरकार उसके परिवार से दंड लेती है, जिससे कि आत्महत्या करने वाले इस बारे में सोचे और आत्महत्या न करे। लोगों को आत्महत्या करने से रोकने के लिए ये एक अनोखी पहल है। 100 लोगों का द्वीप। जापान हजारों द्वीपों से मिलकर बना एक देश है। ये लगभग 6852 द्वीपों से मिलकर बना है। इन द्वीपों में से सिर्फ 340 द्वीप ही 1 वर्ग किलोमीटर से बड़े हैं, जिसमें से एक द्वीप ऐसा भी है जहां पर सिर्फ 100 लोग ही रहते हैं। इस वजह से यहां कुत्तों को पालना गैरकानूनी है, पर इस द्वीप पर बिल्लियों को खूब पाला जाता है। न देख सकने वाले अंधे लोगों के लिए विशेष सुविधा। जापान में न देख सकने वाले अंधे लोगों के लिए खान पान की भी विशेष सुविधाएं दी जाती है। ड्रिंक के कैन पर ब्रेल लिपि से लिखा जाता है कि कैन के अंदर क्या है, ताकि उन्हें पता चल सके कि वे क्या पी रहे हैं। मातृभाषा में ही पढ़ाई। अब हम भारतीय लोग भी पढ़ाई को बहुत महत्व देने लगे हैं, पर जब बात स्कूल की आती है तो सब लोग इंग्लिश स्कूल का ही चुनाव करते हैं, वजह तरक्की बताई जाती है। पर जापान में ऐसा नहीं है। जापानी लोग अपनी मातृभाषा में ही पढ़ाई करते हैं, यहां तक कि जापान के वैज्ञानिक भी जापानी भाषा में ही शोध करते हैं। फिर भी दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की जापान ने ही की है। उन्हें अपनी संस्कृति और भाषा पर बहुत गर्व है। जापानी लोग प्राकृतिक संसाधनों की बहुत कद्र और बचत करते हैं। जापान एक छोटा देश होने के कारण वहां संसाधन बहुत सीमित मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए वहां पर इन संसाधनों का जरूरत के हिसाब से ही उपयोग किया जाता है। पानी की बचत और अधिक उपयोगी तरीके से इस्तेमाल के लिए जापान में विशेष तरह के टॉयलेट बनाए जाते हैं। जब कोई व्यक्ति वॉश बेसिन में हाथ धोता है तो वह पानी टॉयलेट के फ्लश टैंक में जमा हो जाता है, जिसे बाद में टॉयलेट फ्लश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार से उतने ही पानी का डबल यूज किया जा सकता है। शिक्षा का महत्व। जापान ने शिक्षा का महत्व बहुत पहले ही जान लिया था, इसलिए जापान के 100% लोग साक्षर यानी के पढ़े लिखे हैं। पूरी दुनिया में पढ़े लिखे देशों के मामले में जापान का पहला स्थान है। कला की संस्कृति। जापानी संस्कृति में कला को हमेशा मुख्य स्थान दिया गया है, जिसकी झलक आपको वहां के मैनहोल पर भी दिखाई देगी। जापान में मैनहोल के कवर पर बहुत आकर्षक डिजाइन बनाए जाते हैं, जिससे वे देखने में सुंदर लगते हैं। नववर्ष पर मंदिर जाते हैं। वैसे तो लोग अपने अपने तरीकों से नए साल का सेलिब्रेशन करते हैं, पर शायद ही कोई इस मौके पर मंदिर जाता होगा। पर जापान में लोगों का नया साल सेलिब्रेट करने का तरीका भी अलग ही है। जापानी लोग सबसे पहले मंदिर में जाकर 108 बार घंटियां बजाकर नए साल का स्वागत करते हैं। किसी के खोए सामान की चोरी नहीं होती। जापान की एक खास बात यह भी है कि अगर कभी गलती से आपकी कोई चीज या सामान कहीं छूट जाए तो कोई उसे छुएगा तक नहीं, ताकि वह इंसान जब अपनी खोई हुई चीज लेने वापस लौटे तो उसे वो चीज अपनी जगह पर ही मिल जाए। वैसे भी जापान में चोरी जैसी घटनाएं न के बराबर ही होती है। मैकडॉनल्ड में रह भी सकते हैं।
मैकडोनल्ड में लोग खाने पीने के लिए जाते हैं, पर जापान में लोग यहाँ रह भी सकते हैं। क्यों, फिर से चौंक गए ना? जी हाँ, अगर किसी कारण की वजह से किसी इंसान के पास रहने की सुविधा न हो तो जापान में मैकडोनल्ड ये कमी भी पूरी करता है। जापान में कई लोग जिनके पास कहीं रुकने या रहने की सुविधा नहीं होती, वे लोग मैकडोनल्ड में आकर रहते हैं। कोई नाम की मछली का घर। जापान में आपको कोई नाम की मछलियां बहुत देखने को मिलेगी। यहाँ की जल निकासी चैनल, जिसे हम गटर कहते हैं, इतनी साफ होती है कि इसमें कोई मछलियां भी देखने को मिल जाएगी। टॉयलेट की टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के मामले में जापानी टॉयलेट भी पीछे नहीं है। जापान में टॉयलेट के दौरान आने वाली आवाज को पानी की आवाज से बदलने के लिए भी टेक्नोलॉजी विकसित की है। ये थोड़ा अजीब है, पर जापान के लिए नॉर्मल बात है। जापान में वेंडिंग मशीनों का बोलबाला। जापान में वेंडिंग मशीनों द्वारा लगभग हर चीज बेची और खरीदी जाती है, जिनमें अंडों से लेकर रोज उपयोग में आने वाली कई छोटी बड़ी चीजें शामिल है। ये एक ऐसी मशीन होती है जिसमें कॉइन डाला जाता है, और जिस चीज की मशीन होती है वो चीज मशीन में से बाहर निकलती है, जिसमें अंडे, सॉफ्ट ड्रिंक से लेकर कई खाने पीने की चीजें शामिल है। आपको जापान में हर जगह ये वेंडिंग मशीन दिखेंगी। जापान में लगभग ऐसी 5.52 मिलियन वेंडिंग मशीनें हैं। जापान का भूगोल। जापान का भूगोल भी दूसरे देशों की तुलना में बहुत अलग है। जापान में लगभग 70% हिस्सा पहाड़ी है। यहाँ साल भर में करीब 1500 से ज्यादा भूकंप आते हैं, और जापान में 200 से ज्यादा ज्वालामुखी हैं। सुनने में थोड़ा डरावना लगता है, पर जापानियों के लिए ये आम बात है। नकली प्लास्टिक मेनू का चलन। जापान में एक और अनोखी बात देखने को मिलती है। यहाँ पर होटलों और रेस्टोरां में नकली प्लास्टिक के मेनू आइटम देखने को मिलते हैं, जो हूबहू असली खाने की डिश की तरह ही लगते हैं। शायद ये नकली मेनू देखकर ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता होगा और वे खाने के लिए अंदर जाते होंगे। लिफ्ट में भी शौचालय। सोचिए अगर कोई इंसान कुछ घंटों के लिए लिफ्ट में फंस जाए और उस दौरान उसे टॉयलेट की जरूरत पड़ जाए तो क्या होगा। अगर वो इंसान जापान में है तो उसे इस बात की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जापान में लिफ्ट की सीटों को आपातकालीन परिस्थितियों में टॉयलेट के रूप में उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो अब घंटों तक भी लिफ्ट में फंसे होने पर कोई टेंशन नहीं, बस एक ही प्रॉब्लम है, उस समय लिफ्ट में दूसरा कोई ना हो। समय के पाबंद। जापानी लोग बहुत मेहनती और शिष्टाचारी तो होते ही है, पर इसके साथ वे समय के भी बहुत पाबंद होते हैं। यहाँ समय की बहुत कीमत की जाती है, यहाँ तक कि जापान की ट्रेनें भी 30 सेकंड से ज्यादा लेट नहीं हो सकती, वरना उन्हें माफी मांगनी पड़ती है। छातों के लिए भी खास नियम। जापान में छातों के लिए भी खास नियम है। यहाँ पर छातों के लिए अम्ब्रेला लॉकर्स होते हैं, जो इमारत के प्रवेश द्वार पर बने होते हैं। लोगों को सुविधा देने के लिए जापान में हर छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा जाता है, जिनके बारे में कई देशों में सोचा भी नहीं जाता। सुमो कुश्ती। जिस तरह हर देश में कोई ना कोई एक लोकप्रिय खेल होता है, उसी तरह जापान में भी एक लोकप्रिय खेल है, जिसे सुमो कुश्ती कहा जाता है। यह खेल जापान के अलावा कई दूसरे देशों में भी लोकप्रिय है। न के बराबर अपराध। जिस देश के लोग ही वहां की पहचान हो, वहां अपराधी भी बहुत कम होते हैं, जिससे अपराध भी न के बराबर होते हैं। देखा जाए तो जापान में अपराध की दर बहुत ही कम है। परमाणु हमला झेल कर भी खड़ा हुआ। साल 1945 में अमेरिका ने जापान के दो बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला किया था, जिसके बाद जापान दुनिया का पहला और अकेला ऐसा देश बन गया जिस पर परमाणु हमला हुआ हो। इसके बाद भी जापान ने जो तरक्की की, वो आज पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण है। मैग्लेव ट्रेन। जापान ने मैग्लेव ट्रेन की भी टेक्नोलॉजी विकसित की है। मैग्लेव ट्रेन को मैग्नेट के पावर से चलाया जाता है। इस टेक्नोलॉजी के कारण मैग्लेव ट्रेन पटरी को बिना छुए उससे कुछ इंच ऊपर रहती है। ट्रेन के चलने पर यह ट्रेन बिना किसी घर्षण के हवा में चलती है, जिसकी वजह से ट्रेन से किसी तरह की आवाज भी नहीं आती। यह ट्रेन जापानी टेक्नोलॉजी का एक अद्भुत उदाहरण है। अशुभ अंक 4। जापान में 4 की संख्या या शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। यहां पर 4 की संख्या या शब्द को बहुत अशुभ माना जाता है।
आपको जानकर हैरानी होगी कि जापानी लोग 3 मंजिल के बाद 4थी मंजिल को 5वीं मंजिल मानते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर यह भी जापानी मान्यता का ही एक हिस्सा है। खेती में भी अनोखापन। वैसे तो जापान रिसर्च और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया का नंबर एक देश है। यहां आए दिन टेक्नोलॉजी से संबंधित नए नए आविष्कार होते रहते हैं। दूसरे क्षेत्रों की तरह जापान के लोग खेती करने के तरीकों के विषय में भी नए नए आविष्कार करते रहते हैं। ऐसे ही एक अनोखे आविष्कार के तहत जापानी लोग चौकोर तरबूज की खेती करते हैं, जो पूरी दुनिया में सिर्फ जापान में ही उगाया जाता है। इसे खाने से ज्यादा सजावट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और ये थोड़े महंगे भी होते हैं। निप्पन देश। जापान के लोग सूर्य को बहुत मानते हैं और इसी वजह से ये लोग अपने देश को निप्पन के नाम से भी बुलाते हैं, क्योंकि जापान में निप्पन का मतलब सूर्य का निवास स्थान होता है। जापानी भूकंप ने पृथ्वी की घूमने की गति बढ़ा दी। साल 2011 में जापान में अब तक का सबसे शक्तिशाली भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता के कारण जापान को एक बड़ी और खतरनाक सुनामी का भी सामना करना पड़ा था, जिसने जापान को तहस नहस कर दिया था। जापान में आए इस भूकंप की तीव्रता ने न सिर्फ जापान बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया। इस भूकंप ने पृथ्वी की घूमने की गति को भी बढ़ाकर दिन के समय को 1.8 माइक्रोसेकंड छोटा कर दिया। कॉमिक्स बुक के फैन। जापान में सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी कॉमिक्स पढ़ने के शौकीन होते हैं। जापान के लोगों को कॉमिक्स बुक का फैन भी कहा जाता है। यहां के लोग कॉमिक्स बुक को बहुत मजे लेकर पढ़ते हैं। जापान में पब्लिश होने वाली सभी किताबों में से लगभग 20% तो सिर्फ कॉमिक्स बुक्स ही होती हैं। साफ सफाई के लिए जागरूक नागरिक। पूरी दुनिया में जापानी नागरिकों को साफ सफाई के लिए बहुत जागरूक माना जाता है। यहां के लोग साफ सफाई को लेकर इतने जागरूक है कि सिर्फ घर ही नहीं जापान के स्कूलों में भी टीचर और छात्र मिलकर क्लासरूम और टॉयलेट की सफाई करते हैं, ताकि बचपन से ही बच्चे विनम्रता और साफ सफाई के प्रति सजग रहे। अनोखा बुढ़ापा और जापान के लोगों की लंबी उम्र। हमने इस वीडियो की शुरुआत की थी जिंदगी के पहले पड़ाव यानी के बचपन से, और अब हम पहुंच गए हैं जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर यानी के बुढ़ापा पर। यहां भी आपको जानकर हैरानी होगी कि जापानियों का बुढ़ापा भी अनोखा होता है। पूरी दुनिया जानती है कि जापानी लोगों की उम्र दुनिया के दूसरे देशों के लोगों के मुकाबले ज्यादा लंबी होती है। वैसे तो जापान के लोगों की औसत उम्र 82 वर्ष है, जो दुनिया में सभी देशों की औसत उम्र की तुलना में सबसे ज्यादा है, पर जापान में आपको लगभग 50,000 से ज्यादा ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन लोगों की उम्र 100 साल से भी ज्यादा है। इस लंबी उम्र के लिए उनकी जीवन शैली की ही मुख्य भूमिका है। जापान के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और ऐसी और जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिए।